आज मर्यादा पर बड़ी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। भाजपाई और नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक मीडिया वाले विपक्ष को सीसीटीवी की किसी फुटेज के आधार पर मर्यादा पर ज्ञान दे रहे हैं। कहां से आता है इतना पाखंड और कहां से समझ में आता है इतना दोषारोपण? मुझे एक बात बताइए, मर्यादा का सारा ठीकरा सिर्फ विपक्ष को ही उठाना है और सिर्फ विपक्ष पर ही मर्यादा का ठीकरा फोड़ना है, सत्ता पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। मर्यादा का पाठ कहां था जब 146 सांसदों को एक ही सत्र में एक साथ निलंबित कर दिया जाता है? मर्यादा का पाठ कहां था जब विपक्षी सांसदों का माइक बंद कर दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष बोलता है स्पीकर को दिखाया जाता है, तब मर्यादा का पाठ कहां था? मर्यादा का पाठ कहां था जब हमारी होनहार बेटियों को सड़कों पर रौंदा जा रहा था और पीएम मोदी बृजभूषण सिंह के साथ खड़े हुए थे, तब कहां था मर्यादा का पाठ? तो मर्यादा का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना बंद कर दीजिए। मर्यादा तो तब पूछी जानी चाहिए थी जब 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच में सदन मणिपुर को न्याय दो के नारों से गूंजता रहा, लेकिन संसद टीवी ने एक बार भी नारों के पीछे के जो चेहरे थे उनको नहीं दिखाया, एक बार भी विपक्ष को नहीं दिखाया। तब सवाल नहीं पूछा गया आप लोगों से? जनादेश का पालन करना मर्यादा है और जनादेश यह है कि अहंकारी सत्ताधीशों को नकेल कसकर रखी जाए, उनको जवाबदेह बनाया जाए। मर्यादा सच बोलने में है, मर्यादा झूठ का पर्दाफाश करने में है, मर्यादा अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होकर न्याय की लड़ाई लड़ने में है, जो विपक्ष कर रहा है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। असलियत तो यह है कि मणिपुर 1 साल 3 महीने से जल रहा है। असलियत यह भी है कि मणिपुर में जो विवाद है वो 2 समुदायों के बीच में है। 2 सांसद वहां के उन 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 सांसद बोल चुके थे, 1 बोलना चाहते थे, यही विपक्ष की समूची मांग थी और समूचा विपक्ष उन सांसद के साथ खड़ा था और बिल्कुल वेल में आकर नारेबाजी की जा रही थी मणिपुर को न्याय दो, क्योंकि यही लोकतंत्र है एंड डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके नेता अरुण जेटली ने कहा है, जिनको आप भूल चुके हैं पर हम नहीं भूले हैं। अगर सोती हुई सरकार को जगाना, नारे लगाना लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र क्या है? और इसीलिए बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना, मणिपुर एक बार ना जाना, मणिपुर की समस्या का समाधान ना ढूंढना, जो सरकार अपना विश्वास खो चुकी है मणिपुर पे उसको बरकरार रखना, यह मर्यादा का उल्लंघन है। और अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमें बार बार नारे लगाने पड़े, बार बार वेल में आना पड़ा, बार बार मणिपुर को न्याय दो कहना पड़ा, तो हम कहेंगे क्योंकि यही लोकतंत्र है और यही मर्यादा है। 10 साल से तानाशाही करते करते आप ये भूल गए कि अब सदन की तस्वीर और सदन की तासीर बदल चुकी है। मर्यादा का पाठ पढ़ाने से पहले अपने गिरेबा में 10 बार झांक कर देखिए, हर बार मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आप पाए जाएंगे।